ते ब्रजचारी वीडियो आपका स्वागत है। आज भाई इसमें अपनी एसेसरी लगवाते हैं, कौन कौन सी लगी, कौन कौन सी नहीं, कौन कौन सी आपकी जरूरत बन एसेसरी शोरूम से लगवाना चाहिए, कौन सी नहीं लगवाना चाहिए वो आपकी चीज़ दिखाऊंगा। देखो यहाँ से अपनी ऐसे चालू हो चुकी है, यहाँ से उठना चालू हो चुकी है, सफाई वगैरह होती है, कौन कौन सी लगनी, कौन कौन सी मारुति एसेसरी होती है। जो नेक्सा का जो पार्ट होता है ना, देखो जेन्युइन नेक्सा एसेसरी लिखा हुआ है, ये जो पार्ट होते हैं इनमें अंदर आती है उनकी कॉपी वाइज बचे हैं, बस ये चीज़ें बार बार अंदर लगवाते हैं, चिपकाने वाला आइटम साफ होता है, ऐसे साफ हुआ है तो हिसाब से चिपका देंगे। अब मैं चिपकाते हुए दिखाता हूँ, देखो ऐसे नॉर्मल लगाया उन्होंने, हल्के साल इसको साफ किया और उसको ग्लू को छुटाया और उन्होंने लगा दिया। देखो आपको जाकर दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। एसेसरीज ये अपनी फिट होगी, ये अपनी फिट होगी, अपनी अपनी ये लगने वाली है, इसके हिसाब से बंपर वगैरह खुलेगा और सबसे नया ही लगता है ना ये चीज़ है। और अपनी सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको, क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा वो सब चीज़ दिखाऊंगा आपको, क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं लगेगा आपको, पूरी मोस्टली सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको पूरी देखते रहें वीडियो के अंदर बने रहें आप। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी मेहनत के लिए भाई बहुत परमिशन लेनी पड़ती है, शोरूम वीडियो शूट करने के लिए बहुत परमिशन लेनी पड़ती है भाई, बहुत से शोरूम देते भी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ देते ही नहीं है शोरूम वाले आपको सीधा, लेकिन परमिशन बहुत सोर्स लगा मैंने शूट शूट करने के लिए, किस चीज़ के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, मैं तो जहाँ से मैंने गाड़ी ली वहाँ के लिए ये है, ठीक है ये चीज़ है। चलो करते हैं फिट, नॉर्मल होते हैं बस यहाँ से 2 नट 4 नट लगते हैं, हाल के साल हो जाते हैं भाई, टेंशन नहीं है नट फ्लैप की। तो भाई एक चीज़ भाई बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, भाई क्यों बता रहा हूँ, ये अपनी मिट्टी इतनी तरीके से बचाते हैं ताकि हद नहीं, इस वजह से बहुत ज़रूरी है भाई। मैं आपको हर एक बंदे सजेस्ट करता हूँ मट फ्लैप लगाऊँ, क्यों बाहर मार्केट वाला भाई इतना हैवी नहीं आता, आपको मैं दिखा देता हूँ मट फ्लैप निकाल के, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, ये वाला कितना हैवी आप देख सकते हो, कितना हैवी है भाई, मुड़ता भी नहीं है, और बाहर का आता है बिल्कुल लिपलिपा टाइप का आता है, ऐसे वाला लिपलिपा देखो मारुति का जेन्युइन है, दिखाता हूँ ये पार्ट नंबर डला हुआ है और रुपये पैसा डले हुए, देखो दिखाता हूँ ऐसे करके देख सकते हो, रुपये पैसे सब डला हुआ है, टेंशन नहीं है इस चीज़ के बाद। ये चीज़ मुझे डीलर की यहाँ की बहुत अच्छी लगी भाई, एक एक चीज़ इन्होंने 1% छुपा के नहीं दिया भाई ये चीज़ें, ठीक है ये लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, लगा ग्रिल के लिए पूरा ही खोला, ये पूरी चेंज होती है ना कि ओनली ये चीज़ चेंज, पूरी चेंज होती है, ऐसे भाई बंपर खोलना चालू कर लिया, ये देख सकते हो कितना एक्सपर्ट बंदे होते हैं भाई, हाल फड़ुक फड़ुक ये होते हैं, देखो पूरा बंपर खोलने होते हैं भाई, ये चीज़ है पूरी, ये जो ग्रिल है ना पूरी चेंज होनी है, ये वाली पूरी चेंज होती है, आ गई ये अपनी फॉगलाइट आ चुकी है, ये अपनी फॉगलाइट आ गई भाई, सबसे मेन रोल है भाई इस चीज़ का, पैसा जो दिया है ना इस चीज़ के लिए दिया है, क्यों आपको मैं फिटिंग होती से दिखाऊंगा, आप भाई मैंने 63 रुपये दिए ना इसका 6300 भाई, ये चीज़ मुझे बर्थ लगे हैं भाई, 1% पैसा तुम कहते हुए नहीं है इसमें, देखो ये लिखाऊंगा जेन्युइन नेक्सा एसेसरी भाई, बहुत शानदार ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, दिखाऊंगा आपको मैं है ना, खुलते समय दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या आता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो भाई इसके अंदर क्या क्या आता है पूरी चीज़ देखेंगे अंदर क्या क्या आता है क्या क्या चीज़ नहीं आती इसके अंदर भाई, एक बार पूरा खोल के निकालना है, निकाल दिए अब दिखाऊंगा आपको किस क्या फायदेमंद है मार्केट में क्या क्या है और इसमें क्या आता है, देख सकते हो अब दिखाता हूँ इसको पूरी चीज़ निकल गई, देखो मेन होती है ये रिले भाई आपको मार्केट में कभी नहीं मिल सकती, ये जो रिले है ना कभी नहीं मिल सकती, देखो ये वायरिंग आपको मार्केट में कहीं मिल ही नहीं सकती, मारुति जो पैसा लेती है बस इन दो चीज़ों की लेती है, बस ये दो चीज़ें ना ये रिले और ये वायरिंग, इसमें ये पूरी रिले है, देखो ये रिले आ गई इसके अंदर वायरिंग की भी आती है, देखो आपको दिखा दो ये वायरिंग वाली आती है और एक ये वायरिंग आती है, ये अपने ये फॉगलाइट की आते हैं ये बट लग के बट लग के, ये पता है कहाँ पे लगते हैं, देखो भाई निकल यार दिखाता हूँ ये यहाँ पे लगेंगे, ठीक है देखो यहाँ से अब ये इसको कट के लगाते हैं भाई मार्केट वाले, इसको पूरा काट देते हैं इसके बाद अपना ये लगा देते हैं, ये देखो इसके अंदर पूरा का पूरा आता है भाई टॉप मॉडल, इसके अंदर क्रोम लग के आती है, ये तो मैं शौक हो गया है, देखो क्रोम लग के आती है इसके अंदर, देख सकते हो इस तरफ का है वहाँ पे लग के आएगी क्रोम लग के आती टॉप मॉडल वाला, ये काफ़ी चीज़ भाई, और नॉर्मल इसके लोग ना भाई इसके अलग पैसे ले लेते बाहर वाले, यहाँ पे क्रोम लग के आएगी ऐसे लगेगा ये है ऐसे वाला, ठीक है ये चीज़ लगने देते हैं, और इसकी लाइट दिखाता हूँ आपको, लाइट लूट के खोलना इसके अंदर, देखो इसके अंदर एक चीज़ और शौक करके दिखाता हूँ, इसके अंदर एक चीज़ और क्या आती है वो आपको और दिखाता हूँ, क्यों उस चीज़ का शौक हो जाओगे इसके अंदर, छोड़ो इसके अंदर भाई आपको एडजस्टर के लिए बीम के लिए वो आता है, देखो यहाँ पे एडजस्टर का बटन कहाँ गया ऑटो एडजस्टर है भाई इसके अंदर, ये आएगा भाई ऑटो एडजस्टर के लिए, ये देखो ये आएगा इसके अंदर एडजस्ट के लिए भी आता भाई कितनी, और देखो LED में आते हैं ये ना कि वो आते हैं LED के अंदर आते हैं, टॉप मॉडल जैसे लगते हैं भाई, टॉप मॉडल हैलोजन आते हैं सर यही आते हैं,
यही आते हैं ये लोग। क्या कह दूँ भाई, अब बताओ मारुति में क्या कहूँ आपसे, इतनी थ्रो आप दोगे। LED का आता देख सकते हैं, अभी पूरे जलता ना तब दिखाऊंगा मैं आपको, देखो एडजस्ट करो सब चीज़ फिटिंग बने भाई ये है। और ये भैया करें ना देखो, इसके अंदर पूरे कपलर है, दिखाता हूँ आपको कपलर सारे। देखो एक ये कपलर, ये मैन वायरिंग वाला कपलर, एक ये कपलर रिले वाला, एक ये वाला कपलर, और अपना ये बैटरी वाला कपलर। देखो आप कहाँ से कॉस्ट कटिंग हुई है बताओ मारुति में भाई। इसके अंदर भी एक स्टील का वायर लगा दिया है, देखो जो इसमें लगेगा ये वाला मैन पावर के लिए आता है, इस चीज़ के लिए। देखो एक ये दिया है, ये दिया है, देखो मतलब कहीं से कॉस्ट नहीं, इसके अंदर वायरिंग आपको दिखेगी ही नहीं। चलो लगने देते हैं इसको, बम्पर खुल रहा है उसको देते हैं भाई, पूरा पूरा लगने देते हैं। और यहाँ से देखो एक मड फ्लैप ये लग गया अपना, ये लग गया भाई। कंपनी के अंदर काम ये तो फ़ायदा है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि भाई ये चीज़ बहुत शानदार लगी। दो चीज़ें भाई LED का मिल गया मुझे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो लगाने देते हैं, इसमें रख देता हूँ वरना गिर जाएगा ये है तो साइड में कर देते भैया, अगर पैर ना लग जाए। यहाँ पर रख देते हैं बस, ये वारंटी कार्ड आता है अपना, इसके अंदर स्विच भी मिलता है अंदर जो लगे ना, इसके अंदर देखो स्विच मिलता है, बलेनो की लाइट मिलती है, देखो LED में आती देख सकते हो आप, बलेनो बनी हुई है, इसके अंदर स्विच स्विच सब मिलता है इसके अंदर। ये है LED सेटअप, इसमें लगेगा भाई, फिर इसमें अपना LED डलवा लेंगे। ये चीज़ें लगने देते हैं, अपना पूरा लग गया, वायरिंग वगैरह होने देते हैं, उसके बाद करता हूँ। ये निकला है देखो फॉग लाइट के लिए। अब ये जो गंदा लगता है भाई, यहाँ से काटते हैं मार्केट वाले, ये पूरा काटते हैं इसलिए गंदा लगता है, ये पूरा काट देते हैं यहाँ से। देखो काट, ये भी जेन्युइन है भाई, अपना रख लेंगे इसको, मैं ये पहन तो कहता हूँ अंदर रख लेंगे इसको अपना सामान। ये है, ये दरका भी निकाल दिया ऐसा वाला, ये देखो ये बहुत गंदा लगता है भाई, ये बहुत गंदा लगता है, इसमें रख देते हैं। ये भाई शानदार लगता है देखो, आप कहोगे बार बार दिखा रहा है इसी चीज़ को भाई, जो अच्छा है वो दिखाऊंगा। ये है लग रहे थे, अब ग्रिल खोल रहे हैं भैया, देखो ये पूरी पूरी ग्रिल खोलते हैं इसको, ये पूरी पूरी ग्रिल खोल रहे हैं इसकी, पूरी ग्रिल खोलते हैं, ग्रिल लगने तक खोलते हैं। फोलाइट की जो वायरिंग आती है ना वो दिखा देता हूँ आपको एक बार, कैसी आती कैसी नहीं आती वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ से आती है उसमें आपको फोलाइट की लगी, देखो यहाँ से बैगरिंग आती है, आपको दिखा देता हूँ एक बार फ्लैश जला के। देखो यहाँ से आएगी आगे वाली वायरिंग, इसमें से आएगी नीचे से। और भाई ये जो है ना ये चीज़ है, अब बस मैं बताऊँ आपको, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ भैया, इसको खोलना है भैया इसको। अब ये देखो इसके अंदर, देखो ये प्लग एंड प्ले और अपने ये प्लग एंड प्ले, देखो यहाँ से देख सकते हो ये प्लग एंड प्ले, देखो ये प्लग एंड प्ले स्विच इसमें रखा हुआ है, वारंटी कार्ड उन्हीं पर से दिया, ठीक है ये स्विच आता है। अब स्विच दिखाता हूँ आपको एक बार, ये लो भैया स्विच देना इसका, ये देखो ये स्विच है, और मार्केट का आता है ना टुचुक टुचुक वाला, उसका फोटो डाल दूंगा कैसा आता है, टुचुक टुचुक वाला आता है, यहाँ चटकनी टाइप का लग जाता है वो, इतना गंदा लगता है यार, और फ्यूज़ फूकने में माहिर होता है। इसके अंदर इनबिल्ट भी फ्यूज़ आता है, इसके अंदर भी इसकी डिब्बी के अंदर इनबिल्ट फ्यूज़ आता है। ये चीज़ है, इसको लगाने देते हैं, यहाँ लगाएंगे, देखो भैया निकल गया डब्बा, ये निकल गया, और अपना ये यहाँ पर पटक चुक हो जाएगा ऐसे लगती है बस। देख रहे लगाएंगे भैया, देखो लगा रहा है, ये कपलर लग गया, और ये कपलर, ये वाला जो कपलर आता है भाई कंपनी से ऑटोमेटिक आता है ना भाई, आता है ना कंपनी से ही, कंपनी में लगा है ना, कंपनी से ही आता है ना कपलर, बस ये लग गया। और अपनी ये वाली वायरिंग अपनी यहाँ पे लग जाएगी ऑटोमेटिक आके इसमें घुसा के, बस इसमें आप ये वाला कनेक्शन यहाँ नहीं कर सकते, नहीं होता ना मतलब, अच्छा ये उधर जाएगी, नहीं कई लोगों ने गाड़ियों देखा यहाँ पर भी हो जाता है अपना, यहाँ नहीं हो सकता, टॉप मॉडल में आता है लगा आता है। ये देखो लग गया भाई, अब यहाँ से कोई गैप बता दे, इसके अंदर लाइट भी जलती है भाई, मैं आपको बता दूँ लाइट भी जलती है इसके अंदर, ये देखो लाइट जलती है इसके अंदर, आपको जला के दिखाऊंगा, लगने दो उसके जला के दिखाऊंगा, उसका थ्रो भी दिखाऊंगा। अब बताओ भाई कहीं से लगा है भाई, बाहर से चीज लगी हुई है, देखो गैप बताओ मुझे कहीं से दिख रहा हो तो, आप यही चीज़ देखो बस, है ना। अब ये वायरिंग वगैरह पूरी छुप जाएगी, क्लियर हो जाएगी भाई, इसके अंदर फ्यूज बॉक्स तो नहीं आता, यहाँ पे उस तरफ आता ना, ये चीज़ है फ्यूज वगैरह सब चीज़ लग गई भाई, ये हट जाता है, देखो ये अपना बॉलेट की जगह ये है, लगने देते हैं, ये चीज़ अच्छी है ना। ये अपनी ग्रिल आ गई सामने वाली, दिखाता हूँ आपको, ये अपनी ग्रिल आ गई। अब देखो कंपनी ने पैसा लिया है जिस चीज़ का लिया, अब ये टॉप मॉडल की है, देखो पूरी पूरी टॉप मॉडल की भाई, इसके देखो पूरी पूरी टॉप मॉडल, बस कैमरे की जगह नहीं है इसमें यार, कैमरे जगह नहीं आती, मतलब पीछे आता है, देखो वेरी गुड, लगाओ भाई ये लो,
फिटो कैसी लगती है दिखाते हैं एक बार टच करके। बन गई भाई टॉप मॉडल, बिल्कुल प्रॉपर टॉप मॉडल बना दी इन लोगों ने। फिट होने देते हैं इसको, लगाते हैं, करो फिट भाई। थ्रो ये कैसे लग रहे हैं, ये एलईडी में है, ये कैसे लग रहे हैं और ये कैसे लग रहा है अब दिखाता हूं। देखो हेडलाइट बंद करा था, हेडलाइट बंद करना भी एक बार, हेडलाइट हेडलाइट बस। अब देखो ये देखो कितनी थ्रो है भाई, एलईडी का बात ही अलग है भाई। ये देखो मैं आपको दिखाई दूँ दोबारा अलग से दिखाई दूँ, ये देखो अलग ही थ्रो है भाई, ये चीज़ है अलग ही थ्रो है इस चीज़ का भाई। फिट हो गई भाई, टॉप मॉडल बन गई अपनी आगे से ये चीज़। इसके अंदर लाइट जल्द डल जाएगी, ये चीज़ डलाएंगे इसको और दिखाते हैं आपको। देखो फिटमेंट देखो, बंद कर देना भी एक बार, फिटमेंट देखो अब कैसी आई है आपको मैं दिखा देता हूँ, फिटमेंट भी कैसी आई। देखो फिटमेंट देखो आपको एक बार, बिल्कुल एक्यूरेट। और ये जो लग रहा है ना भाई, ये चार चांद लग रहे हैं भाई, बहुत शानदार चीज़ है। एक बार फिटमेंट, दोबारा फिटमेंट दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से लेकर पेपर को ना आपको दिखा रहा, देखो फिटमेंट ये होता है कंपनी का फ़ायदा। यहाँ से कुछ बता देगा भाई, दोबारा पेपर खुलाया, दोबारा खुलाया फिर कस गया। देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यार ये होता है एक्सपर्ट टाइप की चीज़ें, आप देख सकते हो कोई गैप नहीं। अगर गैप दिख रहा हो मुझे कमेंट करके बता देना आप लोग, है ना। ये चीज़ लग रही, अब दिखाता हूँ भाई ये चीज़ है, दिल पे पत्थर रख लेना इस चीज़ के लिए। तो ये है क्यों भाई, क्यों रखनी पड़ती है दिल पे पत्थर, कैसे लगती है, कैसे लगती है, चलो ये बता दो। वो तो मौन धारण कर रखी है, कैसे लगती है, छेद हो के क्या रखना पड़ता है पत्थर, क्योंकि नई गाड़ी में छेद हो के लगना बहुत बड़ी दिक्कत आती है, देखा नहीं जाता। तो भाई यहाँ पे छेद होते हैं, इसमें भाई छेद क्यों होते हैं आपको दिखा देता हूँ आपको एक बार। छेद इसलिए होते हैं भाई, इसके अंदर ये जो नट होते हैं ना भाई, एकड़ का ज़्यादा ना तो ये निकलती है ना करती हो, और जो पेस्ट वाली आती है ना भाई, इतनी गंदी लगती है और हर छः महीने वो अपने आप निकल जाती है। जो मार्केट वाली आती है, इसमें आप कैमरा भी लगा सकते हो पीछे, देखो यहाँ पर जगह दी गई है, यहाँ पर कैमरा भी लगा सकते हो अपना नीचे, ये एक अच्छी चीज़ है। चलो लगने देते हैं इसको और फिर दिखाता हूँ आपको लगते समय कैसी क्या, कैसी क्या नहीं है। Okay, भाई अपनी ये बूट गार्निश, इसको बूट गार्निश बोलते हैं, किसकी गार्निश बोलते हैं, लग चुकी है। इसके अंदर ढक्कन भी आता है, देखो पीछे ये लोग आप ढक्कन नहीं लेते, पहले ढक्कन ही देते है ना, ये है। चलो इसको और लगवाते हैं फिर मिलता हूँ आपसे। अलॉय रख चुके हैं अपने, है ना, दिखाऊंगा कैसे लगे हैं भाई। ये भी शारांत है, ये भी रखेंगे, ये रखें भाई चारों चार, एक अलॉय आ गया अपना, पैक पीस आया भाई ये है। इसके अंदर व्हील कैप तो उसी में ही आएंगे ना, एस वाले कैप और नोजल आगे रखते हैं, कहाँ पे रखें ये भाई अपने कैप और नोजल, ये भाई ये नोजल आ गए भाई चारों के चारों, ठीक है भाई। डिबरी के साथ आए भाई ये चीज़ है। चलो लगने दे, अलॉय लगवाते हैं अपने, बस पूरा पूरा काम हो गया, एक क्रोम अपनी ये और रहेगी, इसको और मंगवाते हैं अपना, लगाते हैं और चलते हैं भाई अलॉय लगवाने के लिए, कैसी गाड़ी लगती है। लगवाते हैं अपने अलॉय, जेन्युइन नेक्सा एसेसरी, खुलना खुली होते हैं, देखते हैं ये खुला खुली हो रहे हैं यहाँ पर, खुला खुली लगा रहे हैं जैक, दोनों टायर उठ जाएंगे ये वाले, खुल जाएंगे, ये है उठ गया ये वाला, उठ जाएगा
अब दिखाता हूँ आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। भाई सिग्मा के अंदर आपको ये वाली चाबी मिल जाती है, लेकिन सामने इसको सिग्मा कह नहीं सकता इस गाड़ी को। भाई हमने इतना डलवा लिया है, इसकी फॉलर डलवा ली, एलईडी वाली फॉलर डली इसके अंदर, और पूरे हेडलाइट उसके अंदर आती जाती है, एलईडी डली हुई इसके अंदर, ये ग्रिल हमने डलवा ली, ये भी हमने डलवा ली इसके अंदर, दामों सामने सामने तीन चीज डलवाई। अब दिखाता हूँ इसके भाई रैप साइड में अपने भाई, ये जो चीज़ है ना भाई, बाकी में भाई अलॉय से गाड़ी में चार चांद तो लग जाते हैं। ये जो अलॉय है ना भाई, 15 इंची की डायमंड कट अलॉय व्हील हमने डलवाया इसके अंदर। भाई इसके अंदर आते हैं, टायर किस कंपनी के भाई, मलिक किस कंपनी का टायर है इसमें, चलो टायर छोड़ो बाद में वीडियो आ जाए। ये 15 इंची अलॉय व्हील है, डायमंड कट में आते हैं वाले हमने डलवाया इसके साथ में, बहुत शानदार अलॉय देख सकते हैं आप लोग। तो बस ये चीज़ डलवाई हमने, और इसके अंदर 6 चीज़ डलवाई हमने, आपको गिनवा दूंगा मैं आपको सारी सारी चीज़ें, वो जो भी अपनी चीज़ डलवा दें। देखो तो सुजुकी के लोग, एक स्लो वो एक ये स्लो वो ये डलवा ली हमने। भाई ओवरऑल लुक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कंपनी से डलवाना चाहिए नहीं डलवाना, इसके ओवरऑल लुक आपको रिव्यू आपको दे दूंगा इस चीज़ के बारे में। भाई डलवा तो हमने लिए ही हैं, कितने के पड़े हैं कितने के नहीं पड़े हैं सारी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो आपको पता पड़ेगी। और हमने अभी इस चीज़ के अंदर भाई तो बहुत सी चीज़ डलवाई भी नहीं, आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डलवाया। जैसे कि म्यूजिक सिस्टम नहीं डलवाया, स्टीयरिंग कवर नहीं डलवाया, स्टीयरिंग वो अपनी सीट कवर नहीं डलवाया, फुटमैन नहीं डलवाया हैं, डोर वाइजर नहीं डलवाया अपने, ये चीज़ें, और मतलब बहुत सी चीज़ें अभी तो अपनी डोर गार्ड नहीं डलवाया अपने, बहुत सी चीज़ें डलवाई, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर नहीं डलवाई। तो डलवाएंगे आपको, सीरीज आती रही गाड़ी की पूरी सीरीज आएगी आपको उस बलिनों की। भाई खरीद ली, हाथ बंद की चीज़ें हमने लगवा ली इसके अंदर, जो समझ में आया वो लगवा ली, 5-7 चीज़ें लगवाई हमको जरूरत की, सीट का अगर पसंद नहीं कंपनी के, ये अपनी अपनी चॉइस है कि आप डलवा सकते हो नहीं डलवा सकते अपने हिसाब से नहीं चीज़ें, ठीक है। तो ओवरऑल जो ऐसे में जरूरत की मैंने डलवा ली, ठीक है। अब जो भी रहेगा आप बताना जरूर, ओपन इसका बताऊंगा अलॉय का कैसा कैसा इनका थ्रो कैसा है नाइट के अंदर वो बताऊंगा आपको ये चीज़ें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, पसंद आई चैनल और सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, जो भी रहे बताना जरूर आप ओपन के साथ में सब्सक्राइब करके, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लाइक करें नहीं डिसलाइक करें, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज सेव हैव नेक्स्ट डे, लेकिन कार चार सीट जरूर पहने और टूर चला हेलमेट पहन के जरूर चलें, ठीक है। मिलते हैं भाई, बाय बाय सो मच।